चंद्रपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार सुधीर मुनकंटीवार सोमवार को उम्मीदवारी मिलने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे। नागपुर आते ही विमानतल पर कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है और ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनकंटीवार के नाम की घोषणा की है। घोषणा के बाद सुधीर मुनकंटीवार सोमवार को पहली बार नागपुर पहुंचे। नागपुर में विमानतल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े भी उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर मुनकंटीवार ने उम्मीदवारी मिलने पर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका दिया गया है। त्यांनी मला लोकसभेच्या माध्यमातून माझ्या मतदार संघात असणारे केंद्र शासनाचे प्रश्न सोडवण्याची संधी प्राप्त करून दिली। चंद्रपूर वणी आर्णी या लोकसभा मतदार संघात केंद्र शासनाचे जेवढे प्रलंबित प्रश्न आहे ते प्रश्न सोडवण्यासाठी मी जीवाची बाजी लावेल। खरंतर हे माझ्यासाठी सौभाग्य आहे की ज्या सेंट्रल विस्टा नवीन लोकसभेच्या इमारतीचा प्रत्येक दरवाजा बनवण्यासाठी मी माझ्या मतदारसंघातून सागवान म्हणजेच लाकूड कास्ट दिलं त्याच दरवाज्यातून खरं तर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि कामरूप पासून कच्छ पर्यंत अनेक खासदार जाणार होते, पण आता आज ही कार्यकर्त्यांचा आशीर्वादाची गर्दी बघितल्यावर शुभकामनांची गर्दी बघितल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर असणारे प्रेमाचे उत्साहाचे भाव बघितल्यावर मला विश्वास आहे की जनता जनार्दन ईश्वराचा अंश असणारा मतदार अब की बार चार सोपार हा विचार घेऊन या चारशे मध्ये चंद्रपूर वणी आर्णी लोकसभेचा प्रतिनिधी म्हणून मला पाठवेल। आज या ठिकाणी ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे त्या त्या विभागाचे जनप्रतिनिधी लोकसेवक हे आर्णी वणी चंद्रपूर राजुरा ज्योती मूल बगारशा कोपूर्णा बरोडा भद्रावती अनेक ठिकाणाहून आले। झरी जामनी पासून कार्यकर्ते स्नेह आणि प्रेम घेऊन आले आहे। त्यात नंतर माझा विश्वास हा अजून दुणावला आहे आणि मला विश्वास आहे की मी माझ्यासाठी निवडणूक लढवत नाही आहे, मी लढवतो आहे विश्वगौरव देशनायक मोदीजींच्या संकल्पासाठी, ज्या संकल्पामध्ये गरीबों के सन्मान में, किसानों के सन्मान में, युवाओं के सन्मान में, महिलाओं के सन्मान में और भारत माता के सन्मान में भारतीय जनता पार्टी और मित्र पार्टी मैदान में यासाठी मिळतो। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।